वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त गणेश कोडे, करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट फॉर्म बड़ा बिजनेस। मैं आज बताने वाला हूँ लो कॉस्ट मार्केटिंग बारे में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आप किसी को पता ही नहीं चला कि आप बिजनेस नहीं कर रहे। तो आपको एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग नहीं करने का पैसा बचा रहे हो तो आप ऐसा है कि घड़ी आप समय बचाने के लिए घड़ी बंद कर दी। तो आपको एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है? लो कॉस्ट मार्केटिंग में पहले स्ट्रैटेजी में बताऊंगा ऑनलाइन बिजनेस। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ऑनलाइन बेच सकते हो, जैसे जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन बेचने के, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। आजकल लोग घर से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पेपर्स, बैग्स हो गए, होममेड केक्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, साबुन हो गए, ये सब लोग घर से बेच रहे हैं, अमेजोन पे बेच रहे हैं, डनजो, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, अलीबाबा, बिग बास्केट, स्नैपडील, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए। आपको ई कॉमर्स, आप ई कॉमर्स कर सकते हो, अपना बिजनेस ई कॉमर्स पे ले जा सकते हो, ऑनलाइन ले जा सकते हो। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी है ऑनलाइन बेचने के। लेकिन आपको ऑनलाइन जाने से पहले आपको प्रोडक्ट अच्छा करना है और सर्विस अच्छी करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर रिटेन होगा, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करेगा और अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को भी रेफर करेगा। तो आपको ऑनलाइन जाने से पहले आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। दूसरी स्ट्रैटेजी है फाइंड कस्टमर। अभी जो भी कस्टमर है आपको उनकी पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी ढूंढो, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे अलग अलग कम्युनिटी है, जैन, इन अलग अलग कम्युनिटी है, उनसे कनेक्ट करो। ये कम्युनिटी कनेक्ट हो गई तो आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। जैसे जोमेटो ने किया, उन्होंने पहले कस्टमर की फूड लवर्स है, जो फूड लवर फूड खाना खाते हैं, उनकी कम्युनिटी कनेक्ट किया और उनमें इम्प्रूवमेंट करते गए। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करते गए अब वो डिलीवरी कर रहे हैं, फूड डिलीवरी कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फूड डिलीवरी कर रहे हैं और सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं। तो आपको वही करना है, कस्टमर को फाइंड करना है, कम्युनिटी से कनेक्ट करना है और इम्प्रूवमेंट करते जाना है। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा। तीसरी स्ट्रैटेजी है वायरल कॉन्टेंट। आप भी जो भी वायरल कॉन्टेंट बनाओ, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उनका वायरल कंटेंट बनाओ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाओ। जैसे मनु जैन करते हैं, उनका कंटेंट क्यों वायरल हो जाता है? वो कस्टमर से कनेक्ट करते हैं। लिंक्डइन पे उनका वायरल कंटेंट बहुत ही वायरल हो जाता है, क्योंकि वो कस्टमर से कनेक्ट करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं, वो कस्टमर को रिप्लाई देते हैं। वो कस्टमर को लगता है रिप्लाई मनु जैन रिप्लाई दे रहा है, लेकिन उनकी टीम रहती है वो रिप्लाई देते हैं, उनकी टीम रिप्लाई देती है। आपको वैसे ही कनेक्ट रहना है। बाबा रामदेव का क्यों कंटेंट वायरल होता है? क्योंकि वो योगा सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है, वायरल कंटेंट बनाना है। जैसे जैसे आप कंटेंट बनाओगे वायरल, वो वायरल हो जाएगा। आप लिंक्डइन पे प्रोफेशनल रहते हैं, फेसबुक पे फैमिली एंड फ्रेंड्स रहते हैं और इंस्टाग्राम पे यूथ रहता है और बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर सिर्फ बिजनेसमैन रहते हैं। तो आपको ढूंढना है आपका कस्टमर कौन है। आपका कस्टमर यूथ है तो आप यूथ पर कंटेंट डाल सकते हो। आपका कस्टमर जब प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, तो आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो। अगर आपका कस्टमर बिजनेसमैन है तो आप बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर अपनी कंटेंट डाल सकते हो। अगर आपका कस्टमर फ्रेंड्स एंड फैमिली है तो आप फेसबुक पे कंटेंट डाल सकते हो। जैसे जैसे कंटेंट वायरल हो जाता है आपका बिजनेस तक लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये थी लो कॉस्ट मार्केटिंग और जीरो डॉलर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। अगर आप अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस भी बड़ा होगा, आपके कस्टमर का ट्रैफिक ज़्यादा होगा, और ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो ज़्यादा सेल होगा। तो यही स्ट्रैटेजी थी। ये वीडियो आप देखने के लिए आप ये वीडियो को लाइक, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।